हेलो एवरीवन, हाय बच्चा भाटी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल ऑफ अन अकेडमी। इफ यू वांट टू क्रैक योर एग्जाम्स, अगर आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स एंड अगर आप अपने एग्जाम्स में टॉप करना चाहते हैं, तो एस योर स्कूल एग्जाम्स विद अन अकेडमी। अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लीजिए एंड यू विल गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट After applying my code, that is NB01. So don't forget my code, that is NB01. NB01 is my code. So let's move ahead. Welcome to my class, everyone. I am your science educator. I am Neha Bansal. I have done BSc, B.Ed, NTT and PTT and mentored more than 4,000 students. I have 6 years of experience, right? So welcome to my class, everyone. Today we are going to start our new chapter, that is the living organisms characteristics and habits. Okay, so ये सब आज हम discuss करेंगे। living organisms कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके सबके क्या characteristics हैं and उनकी क्या habitats है। like this picture, मुझे ये picture बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने ये picture add करी है। पूरी earth है, earth के ऊपर सारे living organisms हैं, बस इसमें human नहीं है, हम लोग नहीं है इसमें। कोई बात नहीं, जैसे एक्वेटिक भी है, जो फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स में रहते हैं वो भी है, माउंटेन्स वाले भी हैं, इसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, राइट, एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स आल्सो और आल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इसमें प्लांट्स भी हैं, प्लांट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड विद अन अकेडमी, राइट। सो लिविंग थिंग्स अराउंड अस, अच्छा आप आपके चारों तरफ कितनी सारी लिविंग थिंग्स देखते हो, जैसे कितने सारे प्लांट्स ट्रीज होते हैं, ठीक है। हम लोग खुद लिविंग थिंग हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एनिमल्स होते हैं, जैसे आपके आसपास स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, किसी के घर पे पेट्स भी होते हैं, ठीक है। कोई रैबिट रखता है, कोई कैट होती है किसी की पेट, किसी का डॉग पेट होता है, ठीक है। काउ, बफेलो, ऐसी बहुत सारी चीजें हम अपने आसपास के सराउंडिंग्स में ही देखते हैं, ठीक है। वो सब क्या होती है, लिविंग, जो जी रहे हैं, ठीक है, जो ब्रीथ करते हैं, जो मूव करते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स। तो दोज लिविंग थिंग्स विच नीड फूड, जिन्हें खाना चाहिए होता है, एयर चाहिए होती है ब्रीथ करने के लिए, खाना चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, एनर्जी के लिए, एंड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल, उन्हें सर्वाइव करने के लिए जिन चीजों को, इन तीनों चीज की जरूरत होती है, that are living things, this that is known as living things. So living things are called organisms, aur living things ko hum kya kehte hain, organisms, chahe wo microorganisms ho, chote se chota ho, chahe bade se bada ho, jo bhi living organism, jo bhi organism food, air aur water ki zarurat jin bhi organisms ko hoti hai, wo kya hote hain, living things. So the living, all plants and animals are living things. जितने भी plants और जितने भी animals हैं, animals भी हम भी आते हैं, humans भी, ठीक है, हम सब क्या हैं, living things हैं, okay? जैसे इस car में आप देख सकते हो, सब living things एक साथ travel कर रही हैं, ठीक है? और यहाँ पे plants हैं जो travel नहीं कर रहे हैं, but plant is also a living thing. वो इस picture के अंदर आ रहे हैं, ठीक है? Lion, zebra, elephant and so many animals. Giraffe, these are all सब wild animals, monkey. Bear, okay, and human also. Okay, car is not a living thing. Okay, characteristics of living things. Characteristics क्या होती है बेटा? Living things को हम कैसे बताएंगे कि ये living thing है, ये एक living organism है या ये non living है? तो उनकी कुछ characteristics होती हैं, कुछ specialities होती हैं. So all living things have some common characteristics which make them different from non living things. सारे ही लिविंग थिंग्स के कुछ एक कॉमन स्पेशलिटीज होती हैं जो वो नॉन लिविंग थिंग्स से जिन उसको सेपरेट करती हैं. जैसे दे नीड फूड, एयर एंड वाटर, उनको फूड, एयर और वाटर की जरूरत होती है. दे कैन ग्रो, वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं. दे कैन मूव बाय देमसेल्फ्स, वो अपने आप से चल सकते हैं. दे कैन रिस्पॉन्ड, वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. जैसे अगर आप मुझसे कुछ पूछोगे तो मैं उस चीज का रिस्पॉन्ड करूंगी, ठीक है, बताऊंगी आपको, राइट. जैसे अगर कोई हमारे ऊपर ऐसे एकदम करता है हाथ, तो हमारी आईज एकदम, हम ऐसे पीछे भी हो जाएंगे डर के,
और आईज भी ब्लिंक होंगी, तो हम उस चीज को, उस एक्टिविटी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे सामने टेबल है, टेबल को मैं ऐसे कर दूं तो टेबल पीछे होगी? नहीं होगी, तो वो क्या है? लिविंग थिंग। ओके, दे रेस्पायर, सबसे इंपॉर्टेंट कि वो सांस लेते हैं, राइट, वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर। दे एक्सक्रीट, उसमें एक्सक्रीशन का भी सिस्टम रहता है, प्रोसेस होता है। दे कैन रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक न्यू बेबीज को भी जनरेट कर सकते हैं। दे हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, और कुछ एक उनका, हर एक का, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद वो, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, वो डेड होते हैं। फूड, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे अलोन अलाइव। ओके, सारे ही लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? खाने की। विदाउट फूड वी कैन नॉट सर्वाइव, विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव, एंड विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव। ओके, दे ऑल्सो नीड एयर एंड वाटर, विदाउट दिस दे विल डाई, उसके बिना वो क्या होंगे? मर जाएंगे। द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना खुद का खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट्स अपना खुद खाना प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। आपको पढ़ा भी है आपने चैप्टर्स में, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि प्लांट से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, ठीक है। एनिमल्स अपना खुद का खाना नहीं बना सकते हैं, तो बट एनिमल्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है? या तो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनको प्लांट से मिलता है, ठीक है। और जो एनिमल्स ईटिंग मतलब कार्निवोर्स होते हैं, वो लोग एनिमल्स को खाते हैं तो उनसे मिलता है। ह्यूमन बींग्स, कुछ वेजिटेरियन मतलब प्लांट ईटर्स होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, जो प्लांट ईटर और क्या फ्लैश ईटिंग दोनों होते हैं। तो हमें या तो प्लांट से हमारा फूड मिलता है या एनिमल्स से, ठीक है। सो नॉन लिविंग थिंग डू नॉट नीड फूड, वाटर एंड एयर। नॉन लिविंग थिंग्स को खाना, पानी और हवा कुछ नहीं चाहिए होता है। बेटा ये वाटर बॉटल है, मैं इसमें से पानी पीती हूँ, बट इस वाटर बॉटल खुद भी पानी पीती है? ये नहीं पीती है। इसमें जितना पानी मैं फिल करूंगी उतना हमेशा रहेगा, क्योंकि वाटर बॉटल पानी नहीं पीती है। सो दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। ना ही इसे खाना चाहिए, ना ही पानी चाहिए, ना ही एयर चाहिए, ये ऐसी की ऐसी ही रहेगी। अगर इसमें मैं पानी फिल नहीं भी करूँ तो भी ऐसी ही रहेगी। दिस पेन, पेन इज ऑल्सो अ नॉन लिविंग थिंग, क्योंकि ना इसको पानी चाहिए, ना ही खाना चाहिए, ना ही एयर चाहिए। आपके आसपास बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं आपके सराउंडिंग्स में, जैसे बुक्स, टेबल, या लैपटॉप, मोबाइल फोन, कैमरा, लाइट्स, वॉल, एवरीथिंग अराउंड यू विच कैनॉट नीड फूड, एयर एंड वाटर फॉर देयर ग्रोथ और एनर्जी, दैट इज अ नॉन लिविंग थिंग। जो ना ही मूव कर सकती है, मैंने आपको बताया, ना ही रेस्पायर कर सकती है, ना ही वो खुद का खाना बना सकते हैं, ना ही वो खाना खाते हैं, ना ही वो एयर उन्हें चाहिए, रेस्पिरेशन का प्रोसेस उनके बॉडी में होता है, ना ही एक्सक्रीशन का, ना ही उन्हें पानी पीने के लिए चाहिए। वो सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स, जो मूव नहीं कर सकते हैं। प्लांट्स इवन डोंट मूव, ठीक है, प्लांट्स भी मूव नहीं कर सकते, बट प्लांट्स क्या है? वो लिविंग थिंग है, उनमें ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे वो लिविंग थिंग कहलाते हैं, ठीक है। प्लांट रिस्पायर करते हैं, आपको पता है, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन जो हमें रेस्पिरेशन के लिए जरूरत होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो हम भी रेस्पिरेशन करते हैं और प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं, ठीक है। इसी तरह से प्लांट्स की और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, राइट। तो ग्रोथ, अब ग्रोथ क्या होता है बेटा? ऑल द लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो करती है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो। जैसे प्लांट्स भी है, सीड, सीड के अंदर से ब्लड ग्रो हुआ, धीरे धीरे प्लांट बना, और धीरे धीरे ये प्लांट बड़ा होता चल गया, और धीरे 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 ये क्या होगा? एक ट्री या बड़ा प्लांट फॉर्म कर लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। ओके, इन तीनों को ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत होती है? सनलाइट, एयर एंड वाटर, राइट। और ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स को ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत होती है? मे बी एयर चाहिए,
फूड चाहिए और वाटर भी चाहिए और सनलाइट भी बेटा चाहिए होती है, ठीक है। सनलाइट इज अ मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी, इनकी बोन्स वीक हो जाती है। सनलाइट के बिना ये ग्रो कर जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सनलाइट के बिना ये ग्रो नहीं कर सकते हैं, बट इन्हें ये सारी चीजें भी चाहिए होती हैं, ठीक है। तो द यंग वंस ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स ग्रो एंड बिकम बिगर इन साइज, जो यंग वंस होते हैं वो सारे ही लिविंग थिंग्स के धीरे 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 ग्रो करते हैं और धीरे 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 क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं विद द पासिंग टाइम। जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे वैसे ये बड़े होते चले जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो नहीं करते हैं। आपकी जो टेबल है, अगर मान लो आपका सोफा है, सोफा इज अ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। आप सोफा खरीद के लाए, जब भी वो उतना ही बड़ा था और आज भी वो उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी ग्रो नहीं करते हैं। ये मैं बॉटल जब परचेज करी थी, बॉटल उतनी ही बड़ी थी और आज भी ये उतनी ही बड़ी है, ठीक है। मूवमेंट, अब मूवमेंट क्या होता है, लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्व्स, अपने आप से वो मूव कर सकते हैं। द एनिमल्स एंड प्लांट्स मूव इन डिफरेंट वेज, जो एनिमल और प्लांट्स हैं वो अलग अलग तरह से मूव करते हैं। एनिमल्स अपने लेग्स के थ्रू मूव करते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स अपने लेग्स के थ्रू मूव करते हैं, बट प्लांट्स ऐसे उनके कोई पैर नहीं होते हैं जिसके थ्रू वो मूव कर सके। तो एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स, एनिमल्स अपनी बॉडी पार्ट्स को भी मूव कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे भी जा सकते हैं, ठीक है। द प्लांट्स कैन मूव ओनली द पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, जैसे प्लांट सिर्फ अपने बॉडी पार्ट्स मूव कर सकते हैं, जैसे वो अपनी लीव को मूव कर सकते हैं, फ्लावर्स को, शूट्स को, रूट्स को, ठीक है। कैसे, प्लांट्स जो है, द प्लांट पार्ट्स मूव टॉवर्ड्स द स्टिमुलस सच एज सनलाइट, वो एक सोर्स की तरफ क्या होते हैं, सूख जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, वाटर और ग्रेविटी। जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, फ्लावर्स ऐसे होते हैं, जिधर सनलाइट होती है ना उसकी तरफ ही उनका फेस रहता है या उसकी तरफ ही वो झुक जाते हैं। जैसे ये प्लांट आप देख सकते हो, ये प्लांट इधर सनलाइट की तरफ ही झुक रहा है, ये इस तरफ नहीं जा रहा है, ये इसी तरफ जा रहा है। तो ये क्या हुआ, स्टिमुलस, सन क्या हुआ, सनलाइट, स्टिमुलस, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ, नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप से मूव नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियसली बेटा नॉन लिविंग थिंग्स कैसे मूव करेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, अभी मैंने बताया स्टिमुलस क्या होता है, बट लिविंग थिंग्स जो है वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस अराउंड देम, आस पास उनके जो भी चेंजेस होता है उसको वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ओके। द चेंजेस इन द सराउंडिंग्स टू विच लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड आर कॉल्ड स्टिमुलस, जो चेंजेस होते हैं ना सराउंडिंग्स में, उनसे जो भी लिविंग थिंग उनको रिस्पॉन्ड करता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस। द लिविंग थिंग्स शो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, एक्सटर्नल बाहरी स्टिमुलस होता है, जैसे हीट, कोई भी गर्म चीज हम पकड़ लेते हैं तो एकदम हाथ हमारा पीछे जाता है ना, हमने रिस्पॉन्ड किया उसको। लाइट, मान लो बहुत ज्यादा तेज लाइट आपकी आंखों में डाल दिया जाए तो आपकी आंखें कैसे होंगी, एकदम आप ऐसे कर दोगे ना, रिस्पॉन्ड करोगे ना उसको। टच, कोई भी टच को आप रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक है। साउंड, बहुत तेज आवाज अगर चलेगी तो आपको, आप रिस्पॉन्ड करोगे, उनको कम करो, अगर स्लो होगी तो आप कहोगे नहीं नहीं स्लो है, उसे थोड़ा तेज करो, उसको उसका जवाब दे रहे हो आप, ठीक है। स्मेल, बैड स्मेल, गुड स्मेल, राइट, बैड स्मेल होती है तो ऐसे कर लेते हो ना, एंड गुड स्मेल आती है तो व्हाट अ फ्रेग्रेंस, है ना। टेस्ट, टेस्ट को भी आप करते हो, मम्मा अगर कोई आपको बिटर कोई चीज टेस्ट करा दे, लेट्स सी करेला आपको खिला दे, आप कहोगे नो मम्मी इट्स बिटर, है ना, बिटर इन टेस्ट। एंड स्वीट, स्वीट को आप बहुत मजे से खाते हो, राइट, सॉल्टी, चटपटा, जैसा भी होता है तो वो टैंगी टेस्ट वो अच्छा लगता है ना आपको, तो टेस्ट को भी आप रिस्पॉन्ड करते हो, राइट। वाटर, पानी को भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट, ठंडा गर्म पानी उसको रिस्पॉन्ड करते हैं ना। एंड केमिकल, राइट,
प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड, बच्चे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू द चेंजेस अराउंड देम, जो उनके आसपास चेंजेस होते हैं ना उनको भी वो रिस्पॉन्ड करते हैं. जैसे प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई सच एज टच, जैसे ये आप देख सकते हो, ये इसको जैसे ही इस प्लांट को टच किया ये बंद हो गया, और इस प्लांट का नाम ही होता है टच मी नॉट. अगर आप मुझे टच करोगे तो मैं बंद हो जाऊंगा. सो डोंट टच मी, दिस इज वेरी सेंसिटिव प्लांट, और इस प्लांट को हम टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं. इस प्लांट का नाम क्या होता है? मिमोसा प्लांट, राइट. ये किसको वो करते हैं? सनलाइट, जैसे मैंने आपको बताया काफी प्लांट्स जो है वो सनलाइट की तरफ झुक जाते हैं. जैसे सनफ्लावर होता है उसका माउथ हमेशा सन की तरफ ही ओपन होता है, जिस तरफ सन होता है उसी तरफ वो सनफ्लावर होता है, और जैसे सन घूमता है वो भी फ्लावर मूव करता है, राइट. ग्रेविटी की तरफ कुछ प्लांट्स नीचे की तरफ झुकते हैं, ग्रेविटी की तरफ कुछ प्लांट्स वाटर की तरफ, एंड केमिकल्स, इन सबको वो रिस्पॉन्ड करते हैं. द फ्लावर्स ऑफ द सम प्लांट्स ओपन अप इन द मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट बट क्लोज आफ्टर सनसेट व्हेन इट्स गेट डार्क. कुछ प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट को? जब सनलाइट होती है तो वो क्या करते हैं? ब्लूम करते हैं, खिल जाते हैं वो सनलाइट में, मॉर्निंग में, ब्राइट लाइट में. और जैसे जैसे सनसेट होने लगता है, लाइट जो है वो कम होने लगती है, तो वो क्या होता है? फिर से बंद हो जाते हैं. ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो. ठीक है, एग्जाम्पल द फ्लावर्स ऑफ डैंडेलियन प्लांट, वो ऐसा ही करता है. इन सम प्लांट्स हाउएवर द फ्लावर्स क्लोज ड्यूरिंग द डे, लेकिन कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स जो है वो डे टाइम पे तो बंद रहते हैं बट रात के टाइम पे वो ब्लूम करते हैं, खिल जाते हैं. एंड ब्लूम ओनली एट नाइट, दैट इज द पेटल्स ऑफ मून फ्लावर. मून फ्लावर नाम से ही आप जान सकते हो कि वो सिर्फ मून की सनलाइट में ही, मून मतलब रात को आता है, तो वो फ्लावर भी रात को ही ब्लूम करता है. सी दिस फ्लावर, दिस इज मून फ्लावर. देखो जैसे ही सनसेट हुआ, रात हो गई, ये फ्लावर पूरा ब्लूम कर गया. वाओ, इट्स लुक सो ब्यूटीफुल, है ना. देखो अभी खुलेगा, ओके. सो मूविंग अहेड, रेस्पिरेशन. बेटा रेस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू ग्रो, मूव एंड स्टे अलाइव. हमें एनर्जी चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, मूव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए. ठीक है, दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड. और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड एंड थ्रू रेस्पिरेशन. क्या हमने पहले पढ़ा भी है कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में मिलके और फिर वो पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है. सो रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच फूड टेकन बाय एन ऑर्गेनिज्म कंबाइन विद ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी. जो हम खाना खा रहे हैं वो क्या होता है? अंदर जाके पूरा डाइजेस्ट होके वो ऑक्सीजन के संग कंबाइन होके ब्लड में पूरा ट्रैवल करता है और हमें क्या देता है? एनर्जी देता है. सो ऑल द लिविंग थिंग्स अंडरगो रेस्पिरेशन टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड. खाने से एनर्जी लेने के लिए हमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस जरूर करना पड़ता है. और रेस्पिरेशन तो एवरी सेकेंड में होता है बेटा. हम रिस्पायर ही नहीं करेंगे तो हम कैसे जिएंगे? एवरी सेकेंड हम खाना नहीं खाते हैं बट एवरी सेकेंड हम रिस्पायर जरूर करते हैं. ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. नॉस्ट्रिल से, नॉस्ट्रिल्स जो है वहां से एयर जाती है अंदर, के नेजल कैविटी से फ्रेनिक्स, लैनिक्स, के ट्रैकिया, राइट, जो हमारा रेस्पिरेटरी पाइप होता है उसको ट्रैकिया, लंग्स में पहुंचती है. ठीक है, लंग्स में पहुंच के और फिर वो पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू सप्लाई होती है, राइट. अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. अच्छा, अर्थवॉर्म के ना ही तो नॉस्ट्रिल्स होते हैं ना ही कोई और जगह होती है, वो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं. सो इट्स स्किन इज क्वाइट थिन एंड मॉइस्ट. उसकी स्किन जो है बहुत पतली और मॉइस्ट, चिपचिपी, गीली होती है, गीली. ठीक है, एंड हैज अ गुड ब्लड सप्लाई. और उसकी स्किन में बहुत अच्छा ब्लड सप्लाई होता है जिसको वो हेल्प करता है उसको ब्रीथ करने में और उसको एनर्जी प्रोवाइड करने में. दिस इज अर्थवॉर्म. ओके, द फिशेज हैव स्पेशल ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग कॉल्ड गिल्स.
फिशेस के पास लंग्स नहीं होते हैं ब्रीथ करने के लिए, उनके पास क्या होती है? गिल्स, क्योंकि लंग्स पानी में नहीं सर्वाइव कर, मतलब लंग्स जो है पानी में काम नहीं करते हैं, तो फिशेस जो है वो हमेशा पानी में ही रहती हैं, तो उनका पानी में ब्रीथ करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है उनके पास, वो होता है गिल्स। सो द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन डिसॉल्वड इन वाटर, जो पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वो फिशेस के मुंह में जाती है, ठीक है। अब मुंह में जाती है तो गिल्स जो है वो सारी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो पानी होता है उसको फिर से वो बाहर फेंक देता है, ठीक है। इस तरह से फिशेस जो है वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है। सो द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है प्लांट्स में रेस्पिरेशन के टाइम पे, जिससे प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनहेल करते हैं एंड ऑक्सीजन को क्या करते हैं एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं एंड ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, ठीक है। सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द टाइनी पोर्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। उनकी ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? जैसे बेटा ये उनकी लीव्स है, मैं इस डायग्राम को खराब कर रही हूँ, बट दिस डायग्राम इज वेरी ब्यूटिफुल। ये लीव्स हैं, ठीक है, उनके लीव्स के ऊपर ना एक बहुत ही छोटे छोटे ना छेद पोर्स बने होते हैं, ठीक है। वो पोर्स को हम क्या कहते हैं? दीज पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा, और यहीं से ही रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। यहीं से ही इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस होता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रेस्पायर, नॉन लिविंग थिंग्स रेस्पायर नहीं करती है, ठीक है। देख रहे हो आप, प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ ले रहे हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर रहे हैं, और ऑक्सीजन कौन यूज करता है? ह्यूमंस एंड एनिमल्स, हम सबको ऑक्सीजन की नीड होती है, ठीक है। एक्सक्रीशन, द रिमूवल ऑफ द वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो भी वेस्ट हमारी बॉडी में है, वेस्ट मटेरियल, उसको एक्सक्रीट करना, उसको बाहर निकालना भी बहुत जरूरी होता है बेटा, क्योंकि वो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी के, ठीक है। अगर वो हमारी बॉडी में ही रहेंगे तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी, ठीक है। सो ऑल लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे एक्सक्रीट करते हैं, और वेस्ट कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी के? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम नोज के थ्रू एक्सहेल करके एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है। यूरिया एंड फेसेस, ये भी हम एक्सक्रीट कर देते हैं, ओके। सो दीज आर किडनी, वी हैव टू किडनीज, किडनी, यस, यूरेथ्रा, सॉरी, यस, यूरेथ्रा, ओके, एंड सॉरी, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, दिस यूरिनरी ब्लैडर, ओके। इस ब्लैडर में सारा कलेक्ट हो जाता है और फिर वो हम एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट, लाइक प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं, जैसे सबसे पहले वो क्या एक्सक्रीट करते हैं? ऑक्सीजन, जो उन्हें नहीं चाहिए, जैसे हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, ऐसी प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन वेस्ट है, उसका कोई काम नहीं है उनके में, ठीक है। लीव्स, लीव्स शेड करते हैं प्लांट्स, आपको पता है ऑटम सीजन जब आता है तो लीव्स शेड होती है ना, गिरती है ना अपने आप। पीलिंग ऑफ बार्क्स, बार्क्स जो है, जो उनकी तना होता है वो भी उसको शेड करते हैं, ठीक है। फ्रूट्स, फ्रूट्स जब पक जाते हैं, जब राइपन हो जाते हैं, तो प्लांट्स को उनकी जरूरत नहीं है, वो उसे नीचे गिरा देते हैं। सिक्रीशंस, कुछ सिक्रीशंस भी होती है प्लांट्स में से, वो भी उनका वेस्ट ही होता है, जैसे गम, रेजिन, लेटेक्स, दिस इज लेटेक्स, राइट। सो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट एक्सक्रीट, नॉन लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट नहीं करते हैं, ए? So reproduction, yes, the process by which living organisms produce new member, ऐसा process जहां से living organism new members को produce करते हैं, उस process को हम क्या कहते हैं? Reproduction, right? And all the living things reproduce themselves, सारे ही living things खुद से reproduce कर सकते हैं। Some reproduce by giving birth, कुछ जो है वो बेबी को बर्थ कर देते हैं, जैसे काउ गिव्स बर्थ टू काफ, दिस काउ, वेट वेट,
cow. Okay, and hen lays eggs. हेन क्या करती है? एग्स ले करती है. और काउ काफ. ठीक है, तो काउ जो है वो बेबी, कुछ जो होते हैं वो बेबीज को रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ जो है वो एग्स ले करते हैं, उसके बाद एग में से बेबी निकलता है. ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं. आप घर में एक टेबल लाए, वो टेबल क्या दूसरी टेबल बना सकता है एक और? नहीं ना. ठीक है, तो प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस, प्लांट्स भी अपने में से नया क्या नया प्लांट बनाते हैं. ये आपको पता है प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस बहुत तरह से होते हैं. देयर आर मेनी वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जैसे रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, सीड्स के थ्रू. जैसे सीड है, हमने उसको सॉइल में दबा दिया अच्छे से, उसको पानी देते रहे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एयर, उसमें से क्या ग्रो कर जाता है? एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है उस सीड में से. ठीक है, थ्रू ट्यूबर्स, राइट, ट्यूबर्स. जैसे पोटैटो है बेटा, पोटैटो में कभी आप नोटिस करोगे उसमें छोटे छोटे नोड्स, इंटरनोड्स होते हैं. ठीक है, उसकी ट्यूब्स होती हैं, आईज जिसे हम बोलते हैं, पोटैटो की आईज. ठीक है, छोटे छोटे छेद होते हैं, कभी नोटिस करना. उन पोटैटो आईज में से ना, अगर हम बहुत दिनों तक उन पोटैटो को यूज ना करें, एक पोटैटो को ना छोटा सा कोई ऐसा लेके देखना, उसको काफी टाइम तक ना रखे रखना. ठीक है, उसमें से क्या होगा, लेकिन उसको हवा में रखना, ऐसे नहीं बंद करके रख दो तो वो खराब हो जाएगा, नहीं, हवा में रखना. उसमें क्या होगा, उसमें से ना ग्रीन कलर का न्यू प्लांट ग्रो होने लगेगा. तो अगर हम उसको ग्रो होने देंगे और मिट्टी में दबा देंगे तो उसमें से न्यू पोटैटो बन जाएगा, ग्रो कर जाएगा. देखो जैसे इस तरह से ऐसे ये ग्रो कर जाता है. ठीक है, एंड रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स, कटिंग्स के थ्रू भी हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एक नया प्लांट जनरेट कर सकते हैं. कैसे? ये पूरा प्लांट था, यहाँ से हमने इसकी एक ब्रांच को कट कर दिया. ठीक है, अब इस कटेड ब्रांच को हमने क्या किया, इधर मॉइस्ट सॉइल में, मॉइस्ट सॉइल में हमने दबा दिया इस कट प्लांट को, लाइक. ठीक है, तो इसमें से एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाए. ये प्लांट तो हमारा एसेटेस रहा, ये प्लांट तो सरवाइव कर ही रहा है, क्या, बट इधर से एक, इसी में से एक नया प्लांट भी ग्रो कर गया. क्या, और मैंने करा है ऐसे खुद से, मैंने एलोवेरा को कट किया, एलोवेरा को एक दूसरे पॉट में लगा दिया. ठीक है, और उस दूसरे पॉट में से भी न्यू एलोवेरा निकलने लग गए, और भी, तो मेरे दो पॉट में एलोवेरा हो गया, वाओ, है ना. तो इस तरह से भी हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं. और भी एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं प्लांट में, दीज आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस भी होते हैं प्लांट में जो पॉलन ग्रेन्स के थ्रू होते हैं. ठीक है, डेफिनेट लाइफ स्पैन, राइट, एक ह्यूमन बींग्स का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद क्या होते हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है. ठीक है, चाहे वो कोई प्लांट हो, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, राइट. सो ऑल द लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, सारे ही लिविंग थिंग्स का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है. आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे टॉर्टाइज की इमेज क्यों लाई हूँ, वो भी बताऊंगी. ओके, सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स रिमेन अलाइव, अलग अलग तरीके जो लिविंग थिंग्स होते हैं, फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, हर एक का जीने का, जिंदा रहने का टाइम अलग अलग होता है. जैसे डॉग्स की एज होती है अराउंड 13-14-12 ईयर्स. ठीक है, टॉर्टॉइज की 100 ईयर्स तक होती है, 100 साल तक जिंदा रहता है. तो सबके अलग अलग ये ड्यूरेशन रहता है टाइम का. द टाइम पीरियड फॉर विच अ लिविंग थिंग रिमेन्स अलाइव इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन. और जितने टाइम तक वो लिविंग थिंग जो है वो जिंदा रहता है, उसको क्या कहते हैं हम, उस लिविंग थिंग का लाइफ स्पैन. एंड नॉन लिविंग थिंग डू नॉट हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, नॉन लिविंग थिंग का कोई डेफिनेट लाइफ स्पैन नहीं होता है. काफी बारी चलने को चीज सालों तक चल जाती है. जैसे हमारे घर में मेरे दादाजी के पापा एक बॉक्स लाए थे, वो बॉक्स आज तक हमने संभाल के रखा हुआ है. तो सोचो जनरेशंस आ गई, मेरे दादाजी के पापा, मतलब उनके पापा, फिर मेरे दादाजी, फिर मेरे पापा, फिर मैं, तो अभी तक भी हम उस बॉक्स को रख रहे हैं. एंड दैट इज अ नॉन लिविंग थिंग. ठीक है, वो बॉक्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, तो वो मरा नहीं है वो बॉक्स, वो अभी तक भी हमारे पास है. और कितनी जनरेशंस आ गई है, 4.
तो डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में कुछ एक मेन डिफरेंसेस। लिविंग थिंग्स दे नीड फूड, एयर एंड वाटर। नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट नीड फूड, एयर एंड वाटर। ठीक है, दे ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। लिविंग थिंग्स दे कैन मूव ऑन देयर ओन, नॉन लिविंग थिंग्स दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग्स दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। लिविंग थिंग्स दे रिस्पायर, नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट रिस्पायर। लिविंग थिंग्स दे कैन रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स, लिविंग थिंग्स दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स दे हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, एंड नॉन लिविंग थिंग्स दे एग्जिस्ट फॉर एवर, हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। ओके, हैबिटेट। अभी हमने देखा कि क्या डिफरेंसेस होते हैं नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग्स में। अब नाउ हैबिटेट, द प्लेस वेयर अ प्लांट और एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। जहां पे एक प्लांट और एनिमल रहता है वो उसका हैबिटेट होता है। जैसे माई होम इज माई हैबिटेट। ओके, सो एग्जाम्पल डेजर्ट, माउंटेन रीजन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, गार्डन, फील्ड, सॉइल, होम्स, ट्री, पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशन एंड सी शोर। डेजर्ट, रेगिस्तान, वहां पे भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माउंटेन रीजन, पहाड़ों में भी होते हैं, जंगलों में होते हैं। ग्रासलैंड, जहाँ पे सिर्फ ग्रास ग्रास होती है वो ग्रासलैंड होता है, एरिया पार्ट ऑफ फॉरेस्ट ही होता है वो भी। गार्डन्स के अलग हैबिटेट रहती है। फील्ड्स में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सॉइल में, मिट्टी के अंदर भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। होम्स में, घरों में भी होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं। ठीक है, ट्री पे भी रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पॉन्ड में, लेक में, रिवर में, ओशन में, सी शोर में, इन सब के भी होते हैं, जो एक्वेटिक हैबिटेट होता है। ठीक है, अ प्लांट और एन एनिमल इज अडैप्टेड टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट। एक प्लांट और एनिमल जो है वो अडैप्ट होता है उस हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, उसको आदत हो जाती है उसकी। ऑल द हैबिटेट्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू मेन ग्रुप। सारे हैबिटेट्स को दो मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक होता है टेरेस्ट्रियल एंड दूसरा होता है एक्वेटिक, राइट। टेरेस्ट्रियल जो सारे लैंड पे रहते हैं, लैंड हैबिटेट्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल, एंड एक्वेटिक वाटर हैबिटेट। सो वाटर, दिस इज लोटस फ्लावर। लोटस फ्लावर इज कम्स अंडर एक्वेटिक हैबिटेट, एंड कैक्टस कम्स अंडर land habitat, right? Some terrestrial habitats, terrestrial मतलब land habitats कौन कौन सी होती है, उसमें भी categories होती हैं। desert, mountain region, forest, ये तीनों land पे आते हैं। आपको भी पता है desert का अलग climate, अलग temperature, अलग उसकी surroundings होती है। mountain regions का अलग होता है और forest का अलग होता है। डेजर्ट, अ वाटरलेस एरिया, तो यहाँ पे वही एनिमल्स, वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं जो पानी के बिना बहुत टाइम तक जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो वाटरलेस एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद सैंड एंड हैविंग अ लिटिल और नो वेजिटेशन इज कॉल्ड अ डेजर्ट। बहुत कम वहां पे प्लांट्स होते हैं या होते ही नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, डेजर्ट। तो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड स्पेशल फीचर्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना इन डेजर्ट्स के, उनमें एक स्पेशल फीचर्स डेवलप होता है। कौन सा? इतने गर्म और सूखे एरिया में सर्वाइव करने का, राइट। मैंने आपको बताया वहां पे पानी भी बहुत बहुत दिनों तक वो नहीं पी पाते हैं, वो एनिमल्स या और वो ऑर्गेनिजम्स लाइक कैमल, रैट, स्नेक्स, लिजर्ड्स, कैक्टस एटसेट्रा। ये सब क्या है? डेजर्ट हैबिटेट के ऑर्गेनिज्म, राइट। कैक्टस, कैक्टस इज द मोस्ट कॉमन प्लांट फाउंड इन डेजर्ट। सबसे ज्यादा कैक्टस कहाँ पे पाया जाता है? सिर्फ डेजर्ट्स में। द अडैप्टेशंस व्हिच हेल्प द कैक्टस प्लांट टू सर्वाइव इन द हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट ऑफ अ डेजर्ट आर। कैसे वो सर्वाइव कर पाता है डेजर्ट में, उसके अडैप्टेशंस क्या है? दे हैव मॉडिफाइड देयर लीव्स इन द फॉर्म ऑफ थिन स्पाइन्स। उसने अपनी लीव को कैसे मॉडिफाई किया हुआ है? ये लीव्स हैं इसकी, पतली पतली स्पाइंस में, कांटे जैसे, उनमें मॉडिफाई कर दिया है टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। आपको पता है लीव्स में स्टोमेटा होता है, वहीं से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है।
वाटर लॉस ना हो उसका खुद का, इसीलिए उसने अपनी लीव्स को स्पाइंस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो द फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज कैरिड आउट बाय ग्रीन स्टेम, उनकी जो स्टेम होती है ना यहीं पर ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, राइट। दे स्टोर वाटर इन देयर स्टेम्स, और वो अपनी स्टेम्स में पानी स्टोर करते हैं। So they have long roots to absorb water from a larger area. बहुत बड़े एरिया से भी वो पानी जो है वो absorb कर लेते हैं क्योंकि इनकी roots जो है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं, ठीक है। Mountain region, mountain habitats कौन से होते हैं? Are usually very cold, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और windy होते हैं। तो वहाँ के animals वहाँ पे survive कैसे कर पाते हैं? So some of the mountains, however, always remain covered with snow. कुछ mountains होते हैं जहाँ पे 12 महीने बर्फ ही बर्फ रहती है, snow से cover रहते हैं। So there is a large variety of plants and animals living in mountain habitat. कभी अगर आप लोग mountains में गए हो तो वहाँ पे बहुत सारे animals हमें देखने को मिलते हैं, जैसे this is snow leopard, okay, and this is mountain goat. Normal goat से different है ना? माउंटेन गोट, ठीक है। तो दीज आर माउंटेन रीजन हैबिट, माउंटेन रीजन एनिमल्स लाइक स्नो लेपर्ड, याक, माउंटेन गोट एटसेट्रा, राइट। शीप होती है, राइट। तो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, फॉरेस्ट जंगल और ग्रासलैंड, बेटा ये इसी का ही पार्ट होता है। बट जंगल क्या होता है? बहुत बड़े बड़े ट्रीज और प्लांट से कवर होता है। ग्रासलैंड क्या होता है? एक लार्ज एरिया होता है घास का। A large area of land covered mainly with trees and plants is forest, and a large area of grass covered land using for grazing is grassland. जो चरने के लिए, जैसे graze करते हैं ना वहाँ पे cow, buffalo, या और भी ऐसे बहुत सारे animals होते हैं, rabbit, squirrel, तो उन सब वो सब grassland में रहते हैं, ठीक है। तो forest और grassland में कौन कौन से animals होते हैं? There are few trees or places for animals to hide in grassland habitat. बहुत कम ट्री या प्लांट्स होते हैं जहाँ पे वो एनिमल्स छुप सके ग्रासलैंड हैबिटेट वाले एनिमल्स में। तो उनमें क्या होना चाहिए? ड्यू टू दिस स्पीड इज इम्पॉर्टेंट फॉर दीज एनिमल, उनकी स्पीड इतनी तेज होनी चाहिए कि अगर कोई उन्हें चेस कर रहा है, ठीक है, अगर कोई उन्हें पकड़ के खाना चाहता है तो वो उतनी ही जल्दी क्या कर सके, उस ग्रासलैंड में से भाग सके, क्योंकि उन्हें छुपने के लिए एक पेड़ की जरूरत होगी। कि दूर दूर तक, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, दूर दूर तक कहीं भी छुपने की जगह नहीं है। फॉरेस्ट हैबिटेट के एग्जांपल्स लायन, डियर, टाइगर, एलिफेंट्स एटसेट्रा, एंड ग्रासलैंड हैबिटेट के एग्जांपल बेटा बीज, बफेलो, ग्राउंड स्क्विरल, ऑस्ट्रिच एटसेट्रा। एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है बेटा? एक्वेटिक से समझ में आता है कि पानी, जो लोग जो हैबिटेट जो जितना भी पानी के अंदर होता है, ठीक है। So the habitat having water all around are called aquatic habitat. The important aquatic habitat are ocean, ponds, lakes and rivers. Ocean का अलग रहता है बेटा क्योंकि वो salty water होता है, ponds, lakes and rivers का salty water नहीं होता है, ठीक है। ocean and seas का salty water रहता है, right? ocean और sea जो है वो ocean में तो जाके मिलते हैं सारे। So n लगाना भूल गई मैं। An ocean is an aquatic habitat having water all around. Ocean जो है वो aquatic habitat है जिसके चारों तरफ पानी ही पानी पानी ही पानी होता है। So the adaptation in animals living in water are about their movement in water and obtaining oxygen for breathing. वो पानी में कैसे मूव करते हैं और वो पानी में से ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, तभी तो वो सर्वाइव कर पाएंगे पानी के अंदर, ठीक है। तो उनकी अडाप्टेशंस अलग होती हैं लैंड एनिमल्स से, राइट। सम ऑफ द अडाप्टेशंस इन एनिमल्स लिविंग इन द एक्वेटिक हैबिटेट आर दे हैव स्ट्रीम्ड लाइंड बॉडी। स्ट्रीम लाइन बॉडी कैसी होती है बेटा? जैसे फिश की होती है ना, आगे से पतली, बीच में से मोटी, फिर पीछे से पतली, ठीक है। ये स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, इससे क्या होता है, ये हेल्प करती है पानी को पीछे पुश करने में, ताकि पानी जो है वो इजीली इनके ऊपर से फ्लो कर जाए, ओके। सो दे हैव गिल्स इंस्टेड ऑफ लंग्स। जो लैंड एनिमल्स, जो ह्यूमन बींग्स जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है ब्रीदिंग के लिए, हम लोगों में क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। बट फिशेस के पास या जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है उनके पास क्या होते हैं? गिल्स होते हैं ब्रीद करने के लिए। और गिल्स कैसे काम करते हैं बेटा? दीज आर द गिल्स, ओके। पानी इनके मुंह के अंदर से जाता है, मैंने अभी पहले भी बताया था, पानी इनके मुंह के अंदर से एंटर करता है,
गिल्स जो है वो उस पानी में एब्जॉर्ब जो ऑक्सीजन होती है उसको ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाटर को बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये गिल्स जो है वो वर्क करते हैं, राइट। पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स के क्या होते हैं? देयर आर फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। ठीक है, फ्रेश वाटर होता है पॉन्ड, लेक्स एंड रिवर्स का ही हमें पता है, और ओशियन और सीज का सॉल्टी वाटर होता है। तो द प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। जो सॉरी एक्सक्यूज मी, मेरा पानी भी फिनिश हो गया। द प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। जो प्लांट्स जो है वो पानी में ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। जैसे एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। प्लांट्स फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वॉटर, जो पानी के ऊपर तैरते हैं। वॉटर लेट्यूस एंड हायसिंथ, दिस इज वॉटर लेट्यूस। ये पानी के नीचे कभी ग्रो नहीं करेगा, कभी नहीं जाएगा, ये सिर्फ पानी के ऊपर ही तैरता है। ठीक है, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स में सेकेंड का कौन सा आता है? प्लांट्स आर पार्शियली सबमर्ज्ड इन वॉटर। पार्शियली होते हैं, आधा अंदर होते हैं आधे बाहर होते हैं। दिस इज लोटस, लोटस फ्लावर। इसकी स्टिक जो होती है वो पानी के अंदर होती है और फ्लावर जो है वो पानी के बाहर होता है। ठीक है, लिली लोटस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पार्शियली सबमर्ज्ड प्लांट्स, राइट। प्लांट्स दैट आर कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वॉटर, जो प्लांट्स जो है वो कंप्लीटली वो पानी के नीचे ही उगते हैं, नीचे बेस में जाके। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? हाइड्रिला एंड वेलिसनेरिया। दिस इज वेलिस, स्पेस कम है, मैं नीचे लिख रही हूँ, नेरिया। ओ नेरियल लिख दिया मैंने, वेट। ओके, तो ये प्लांट्स कहाँ पे हैं? ओशियन, सी, पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स के नीचे उगते हैं, बिल्कुल प्लांट्स के पानी के अंदर। एनिमल्स अडेप्टेड टू लिव इन वॉटर एंड लैंड। अच्छा, अभी हमने पानी वाले देख लिए, लैंड वाले देख लिए, बट ऐसा कौन सा एनिमल है जो पानी और लैंड दोनों पे सर्वाइव कर सकता है? ऐसा एनिमल है फ्रॉग। फ्रॉग इज द ओनली एनिमल विच कैन सर्वाइव बोथ इन वॉटर एंड ऑन लैंड। सो द एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स हैव पॉन्ड्स एज देयर हैबिटेट। पॉन्ड्स में ही ज्यादातर रहते हैं। फ्रॉग्स आर फाउंड इन शेडी डैम्प कंडीशंस नियर पॉन्ड, जहाँ पे छांव रहती है और गीली जगह होती है वहीं पर ही फ्रॉग्स पाए जाते हैं। ये फ्रॉग्स कैन लिव इनसाइड वाटर एज वेल एज ऑन लैंड नियर द पॉन्ड। लेकिन फ्रॉग्स के अंदर ब्रीथ करने के लिए क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। तो आप कहोगे मैम लंग्स की जैसे पॉन्ड्स जो है वो फ्रॉग्स जो है वो पानी में कैसे ब्रीथ कर सकते ब्रीथ कर पाएगा क्योंकि उसके पास तो लंग्स होते हैं। बट इसके पास लंग्स के साथ साथ ये कहाँ से ब्रीथ करता है? देयर लंग्स एज वेल एज स्किन, ये अपनी स्किन से भी ब्रीथ करता है। ठीक है, तो ये दोनों तरह से ब्रीथ कर सकता है। एक बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, एक मिनट यहीं पर ही बता देती हूँ। जैसे जो बेटा टोड होता है ना, जो यंग फ्रॉग होता है, यंग वंस जो होता है, जो उसका बेबी फ्रॉग होता है, टोड जो है वो पानी में ही रहता है। जब वो एडल्ट फ्रॉग बन जाता है तभी वो लैंड पे आता है। ठीक है, तो टोड पानी में ही रहता है। अब उसके पास लंग्स होंगे तो वो पानी के अंदर कैसे ब्रीथ करेगा? स्किन से वो कर सकता है, बट जब तक वो पूरा एक फुली ग्रोन फ्रॉग नहीं बनता तब तक क्या होता है? टोड के अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गन होता है जो ब्रीथ कर सके पानी के अंदर? गिल्स। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, एक कंप्लीट एडल्ट फ्रॉग बन जाता है, तो वो गिल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं ये ऑर्गन किस में? लंग्स में। So frogs are adapted to live in water as well as on land in the following ways. So they have webbed back feet. ये webbed होते हैं बेटा, ये webbed back feet होते हैं which help them to swim in water. ये पानी को ऐसे पीछे धक्का मारने में help करते हैं. So this helps them to live life in water. Okay? They have strong back legs for hopping. ऐसे hop hop hop, जैसे rabbit hop करता है ना, ऐसे होता है hop.
ऐसे जंप करना एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो अपने बैक जो लेग्स होते हैं ना, उनके बैक लेग्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उन्हीं की हेल्प से वो हॉप करते हैं अपने प्रे को, अपने खाने को पकड़ने के लिए. सो दिस हेल्प्स द फ्रॉग टू लिव लाइफ ऑन लैंड, और ये लैंड पे रहने के लिए उनको हेल्प करते हैं. और वो अपना जो एनिमी है, जो खाना है, वो कैसे पकड़ते हैं, अपनी टंग से. उनकी टंग का जो पोर्शन होता है ना, स्टिकी होती है टंग. जैसे वो अपना प्रे देखते हैं, अपनी टंग आगे बढ़ाता है, उस प्रे वो जो प्रे है उसके ऊपर चिपक जाता है, और वो फिर वो मोड़ लेता है उसको, टंग को अपनी अंदर कर लेता है, और वो ऐसे फूड ऑब्टेन करता है. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, चैप्टर इज एंड. ओके, सो अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन फीचर्स के बारे में जान लेते हैं बेटा. लर्न लाइफ फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम. आप अपने घर में बैठ के आराम से कहीं पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं. कोविड सिचुएशन है, आपको बाहर जाना भी नहीं चाहिए. ओके, सो अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सारे ही कोर्सेज का. टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर. ठीक है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं. एग्जॉस्टिव कवरेज होता है सिलेबस का. मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाती है. स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल होता है. प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती हैं, एंड बैच कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं. तो अनअकैडमी प्राइसिंग सब्सक्रिप्शन बेटा देख लेते हैं. 3, 6, 12, 15, 18, 24, 36, 48 मंथ्स का ये है. और जैसे ही आप मेरा कोड अप्लाई करते हैं, दैट इज NB01. डोंट फॉरगेट, माई कोड इज NB01. So you will get instant 10% discount. Okay? Iconic subscription में क्या होता है बेटा? Plus subscription के तो सारे benefits मिलते हैं, but इसमें कुछ extra benefits होते हैं. जैसे personal mentor आपको provide किया जाता है, one teacher, one student, right? Live doubt solving होता है, आप live class में बोल के अपनी teacher से अपना doubt पूछ सकते हैं, right? Weekly reports आपकी ready की जाती है, parents के साथ connections होते हैं. स्टडी प्लानर आपको प्रोवाइड किया जाता है, एंड अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के सारे ही बेनिफिट्स आपको मिलते हैं इसमें. ओके, आइकॉनिक की प्राइसिंग देख लेते हैं बेटा. 3, 6, 12, 15, 18, 24, 36, 48 मंथ्स का. एंड आफ्टर अप्लाइंग माई कोड इज NB01. सो डोंट फॉरगेट माई कोड. अप्लाई माई कोड टू गेट सब्सक्रिप्शन एंड टू गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट. ओके, so that's all for today, and you can attend my special classes also next month. September से दोबारा से start हो रही है 6th class के लिए भी मेरी special classes वहाँ पे होंगी. उसके लिए आपको क्या करना है, Unacademy की learning app आपको download करनी है, अपने name, email ID and contact number से उसको login करना है, और उसके जितने भी free features हैं आप उसको unlock कर सकते हैं by applying my code, that is NB01. उससे आप unlock करो. Combat scholarship test के लिए भी आप prepare करो, उसको भी आप register कर सकते हो. Absolutely free है वो, उसके लिए आप register करो. Quiz test होता है वो, right? उसके लिए भी आपको register करने के लिए मेरा code apply करना है, that is NB01. तो special classes में भी मिलते हैं next month. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में, एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके. तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सो लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी. बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय.